अगर आप साउथ फिल्मों के फैन हो तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने जिस एक्टर की फिल्म सबसे पहले देखी होगी वह है नागार्जुन सर की इन्हीं की फिल्म मेरी जंग, वन मैन आर्मी और डॉन। नंबर वन को सबसे पहले टीवी पर डब करके हिंदी बेल्ट में चलाया गया था। सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते अपनी कला से, और ये दोनों ही फिल्में टीवी पर बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई। नॉर्थ में लोग आज भी इन्हें असली नाम से नहीं बल्कि मांस वाले हीरो के नाम से जानते हैं। आज नॉर्थ बेल्ट में नागार्जुन सर पहले अभिनेता हैं जिनकी फिल्मों को ऑडियंस ने पूरी तरह से एक्सेप्ट करना शुरू किया, और वही कोई 2005-06 की बात रही होगी। इसके बाद रॉबरी, रिगार्ड और किंग नंबर वन जैसी न जाने कितनी फिल्में रही होंगी जिन्हें हिंदी बेल्ट में एक बार नहीं बल्कि लोगों ने 50-50 बार टीवी पर आते जाते देखा होगा, और इन्हीं की फिल्में साउथ से हिंदी में डब होने वाली फिल्मों के लिए ट्रेंड सेटर बनी। इसी के बाद साउथ का क्रेज बढ़ा। धनुष, रवि तेजा, जूनियर एनटीआर, सूर्या और पवन कल्याण जैसे एक्टर्स को हिंदी में डब करके दिखाया जाने लगा। नागार्जुन इस फील्ड में सबसे टॉप पर हैं। आज की तारीख में शायद ही कोई इनकी बात करता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि तेलुगु इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर हैं और एक समय तक बॉलीवुड के सेकेंड जनरेशन के हीरोज के टॉप फोर पिलर्स में इनकी गिनती होती थी। इनमें चिरंजीवी, नंदमुरी बालाकृष्णा, नागार्जुन और वेंकटेश को कंसीडर किया जाता है, और आज इनके बेटे नागा चैतन्य और अखिल अक्किनेनी तेलुगु इंडस्ट्री के प्रोमिनेंट एक्टर हैं। अभी पिछले दिनों कई सारे सीनियर एक्टर्स ने अपना तगड़ा कमबैक किया। कमल हासन, रजनीकांत, सनी देओल और नंदमुरी बाला जैसे एक्टर्स अपना जबरदस्त कमबैक कर चुके हैं, और आज की तारीख में न्यू जनरेशन एक्टर्स को टफ कंपटीशन देने लगे हैं। ऐसे में मुझे उन एक्टर्स का भी ख्याल आया जो आज की तारीख में एक अच्छा कमबैक डिजर्व करते हैं। उनमें नागार्जुन सर का नाम सबसे टॉप पर था। आपको बता दूं कि नागार्जुन सर का करियर अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा। स्पेशली 2016 की ओपनिंग के बाद इनके करियर में मेजर डाउनफॉल देखा जा सकता है। इसके बाद इनकी किसी भी फिल्म ने कोई बड़ा बॉक्स ऑफिस फिगर टच नहीं किया। इवन के राघवेंद्र राव जैसे लेजेंडरी डायरेक्टर की फिल्म ओम नमो वेंकटेश यह फिल्म थी, वह भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2017 में हिट फ्रेंचाइजी राजू गाड़ी गांधी, जो कि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म थी, इसके सेकंड पार्ट में नागार्जुन को लीड हीरो कास्ट किया गया। दोस्तों, इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अंडर परफॉर्म किया, और इस सीरीज के थर्ड पार्ट में नागार्जुन सर को हटाकर एक न्यू कमर एक्टर को कास्ट कर लिया गया। साल 2018 में यह ऑफिसर नाम के फिल्म में नजर आया। दोस्तों, इस फिल्म का बजट था 8 करोड़, और इस फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मात्र 1 करोड़ 19 लाख ही कमाई करी, और इसी के साथ यह फिल्म बॉक्स ऑफिस में डिजास्टर साबित हुई। यह बहुत बड़ा झटका था, और आज तक तेलुगु इंडस्ट्री के इतिहास में किसी सीनियर एक्टर की फिल्म ने इतना डिजास्टर कलेक्शन नहीं किया था। यहीं से नागार्जुन सर की स्टार पावर पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होने लगा। इसके बाद 2018 में नानी के साथ देवदास नाम के फिल्म में नजर आए। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई करी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल सक्सेसफुल रही, मगर यहां पर नानी भी थे, इसलिए फिल्म की पूरी सक्सेस का श्रेय नागार्जुन सर को दे नहीं सकते। इसके बाद नागार्जुन को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नागार्जुन सर अपनी ओन टाइम ब्लॉकबस्टर मनमा धुंध का सीक्वेल मनमा 2 लेकर आए। आपको बता दूं कि मनमा एक ट्रेंड सेटर फिल्म थी जिसे साल 2002 में ओनिल टाइम ब्लॉकबस्टर की वर्डिक्ट मिली थी। ऐसा माना जा रहा था कि इस फिल्म का सिक्वेल नागार्जुन साहब के करियर को मेजर पुश देगा, लेकिन यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पीट गई। आपको बता दूं कि 30 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने मात्र 17 करोड़ की कमाई करी, और यह भारत में बनाई गई सीक्वल फिल्मों में सबसे बुरी परफॉर्म करने वाली फिल्म के लिस्ट में शुमार हो गई। इंडस्ट्री में नए नए एक्टर्स ने अपनी पकड़ पूरी तरह से मजबूत कर लिया, और इस बीच नागार्जुन सर की तेलुगु स्टेट में पकड़ पूरी तरह से कम हो चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद इनकी अगली फिल्म थी वाइल्ड डॉग, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी और इन्हीं के होम प्रोडक्शन की फिल्म थी।
इस फिल्म का बजट था मात्र 6 करोड़। अब आप सोच के देखिए कि इसमें नागार्जुन सर की फीस क्या रही होगी। बहरहाल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो इस फिल्म ने मात्र 7 करोड़ की कमाई करी और आगे यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुई। 2022 में अपनी एक और सुपरहिट फिल्म के सीक्वल गंगा राजू में नजर आए। यहां पर उनके साथ उनके बेटे नागा चैतन्य भी थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही। महज 15 से 20 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 8 करोड़ 20 लाख की कमाई करी और यह फिल्म एक हाईली सक्सेसफुल फिल्म के तौर पर कंसीडर की गई। हालांकि यहां पर इस फिल्म में नागार्जुन के साथ नागा चैतन्य भी थे, इसलिए फिल्म का पूरा क्रेडिट सिर्फ नागार्जुन सर को नहीं जाता। हालांकि सक्सेसफुल को सर फिर से मेंटेन नहीं रख पाए। अगली फिल्म थी इनकी घोस्ट, जिसे पब्लिक की तरफ से मिक्स ओपिनियन मिला और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से फ्लॉप रही। दोस्तों, इस फिल्म की असफलता से इतना साबित जरूर हो गया कि नागार्जुन सर की स्टार पावर इतनी नहीं रही कि वे लार्जर ऑडियंस को थिएटर तक घसीट पाए। पिछले 7 सालों में इनकी 2 ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चली, जिनमें नानी और नागा चैतन्य जैसे न्यू एज एक्टर्स थे। यानी कि इस समय नागार्जुन सर को सोलो सक्सेस की जरूरत है ताकि वे अपना अच्छा सा कमबैक कर पाए। पिछले दिनों इनके बर्थडे के दिन इनके 2 प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट हुई है। इनमें इनका जो पहला प्रोजेक्ट है वह धनुष के साथ होने वाला है। दूसरा धनुष की 51, जो कि एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है और शेखर कमला इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। इस फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज किया जाना है। आपको बता दें कि इस फिल्म में नागार्जुन सर को भी कास्ट किया गया है और मोस्ट प्रॉब्लम उन्हें इस फिल्म में इसलिए कास्ट किया गया है ताकि इस फिल्म की तेलुगु स्टेट में अच्छी खासी डिमांड हो। अब यह तो वक्त ही बताएगा कि नागार्जुन की फेस वैल्यू पर इस फिल्म को तेलुगु स्टेट में किस तरह की सक्सेस मिलती है। इनके बाद के दिन इनकी एक सोलो फिल्म भी अनाउंस हुई है जिसका नाम है ना सामीरांगा। दोस्तों, इस फिल्म का पोस्टर और टीजर भी रिलीज किया गया है, जिसे देखकर तो मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये टीजर आश्वासन दे रहा था कि यह मास एक्शन फिल्म होने वाली है। जिस तरह के मास एक्शन फिल्म आजकल चल रही है एकदम वैसा ही। आपको बता दूं कि कोरियोग्राफर विजय की यह पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू है। बताया जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म को संक्रांति 2024 पर रिलीज करना चाहते हैं। वहीं इस फिल्म का क्लैश होगा सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म ऐसे सेम से। फिलहाल मैं ऐसा समझता हूं कि नागार्जुन सर को अब उस तरह की गलती नहीं करनी चाहिए जिस तरह की गलती उन्होंने पास्ट में करी है। आपको बता दूं कि नागार्जुन एक एक्सपेरिमेंटल एक्टर हैं जो अलग अलग तरह के फिल्में सिलेक्ट करते हैं। बीते 5-6 सालों में भले ही उनकी फिल्में न चली हों, लेकिन इनकी फिल्मों में एक वेरिएशन देखने को मिलता है, या यूं कहें कि यह एक रूटीन फॉर्मूले को नहीं पकड़ते। इनकी पिछली फिल्मोग्राफी में हॉरर, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, फैमिली एंटरटेनर, रोमांटिक कॉमेडी, एक्शन थ्रिलर और सुपरनेचुरल थ्रिलर में देखने को मिली है। दोस्तों, इस तरह की फिल्मों का मार्केट बीते 5 सालों में काफी कम हो चुका है और आजकल सिर्फ मास एक्शन फिल्में ही चल रही हैं। नागार्जुन सर की पहचान भी इसी तरह की फिल्मों से हुई थी। फिर क्यों इन्होंने अचानक से इस तरह के फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, एक बड़ा सवाल है। नागार्जुन सर ने पिछली जितनी भी फिल्में करी हैं उनकी ना तो उस तरह की हाइप बन पाई और ना ही ऑडियंस में उस तरह की फिल्मों की बहुत डिमांड देखने को रही है। लेकिन अब चलो नागार्जुन सर को उसी पुराने अवतार में देख पाएंगे। इनकी सोलो फिल्म जो आ रही है इसका लुक देखिए। इस लुक को देखकर ऐसा लगता है कि यह तो आग लगा देगी, नागार्जुन सर को अच्छा खासा कमबैक देगी। आगे इस फिल्म से जुड़ी क्या डेट निकल कर आती है मैं बिल्कुल आपको अपडेट करता रहूंगा। तो दोस्तों, ये रहा हमारा नागार्जुन सर पर एक स्पेशल वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा और जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें